में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं उसके लेकर जानकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। पहले भी जो रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया था उसमें जो जाने की स्कैमर्स थे उनको जाने की कोई चार्जशीट नहीं हुई, उन पर चार्जशीट अगर होती भी है उनको डीबार नहीं करती है JKSSB। ये कैसा जाने की वो है? अगर स्कैमर को जाने की अलाउ कर दिया जाएगा तो हमें कहाँ से जाने की सेफ्टी होगी एग्जाम देने में? हम चाहते हैं जाने की स्कैमर को जाने की डीबार किया जाए, उन पर कोई चार्जशीट एक्शन होना चाहिए। अगर CBI की चार्जशीट आती है तो उन पर जाने की स्कैमर्स का नाम क्यों नहीं आता है? अगर आता है तो फिर उन पर जाने की चार्जशीट FIR क्यों नहीं लॉन्च होती है? तो ये कहना है और जानकि हमारा कहना यह है कि जो भी ये स्कैम्स हो रहे हैं उस पर जानकारी एक स्टिक लॉ जानकारी होना चाहिए जिस पर जानकारी ये अंदर जा सकें और जानकारी ये जो है जो स्कैम्स हो रहे हैं उस पर जानकारी स्टिक लॉ बना दिया जाए। और जानकारी जो अभी जो स्कैम हुआ अभी जो JKSSB का पेपर हुआ था SI का उसमें भी जानकारी आंसर की जो 30 तारीख को आनी थी इनका JKSSB का ऑफिशियल नोटिस था ये आंसर की जानकारी 30 तारीख को आएगी, 28 तारीख को नोटिस आता है बट आंसर की जानकारी 28 तारीख को ही वायरल हो जाती है। ये कैसे जानकारी इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, क्रेडिबिलिटी है ही नहीं तो जानेंगे हम कैसे भरोसा करेंगे इन पे? तो यही है, अब भाई बोलेंगे एस्पिरेंट्स सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ JKSSB को ये चीज़ बोलने के लिए कि हम सभी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हम पिछले 4 साल से इस चीज़ को लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम कहीं एग्ज़ाम करके कहीं पोस्ट पे बैठें, कहीं कुछ करें हम अपनी लाइफ को लेके। बट पिछले 4 साल से सत्यपाल मलिक सर जो आए थे यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे फास्ट रिक्रूटमेंट होगी, फास्ट ट्रैक होगी, बट आज तक आई थिंक एक पोस्ट है जिसमें वो फुलफिल हो पाई है, उसके अलावा कुछ नहीं हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी SI का एग्ज़ाम होता है वो भी उसमें भी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, वो भी स्कैम हो जाता है, उसका भी वो भी क्लैप्स हो जाता है। उसके बाद अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं, अभी भी नया वो रिक्रूटमेंट आई है, उसके बाद रिक्रूटमेंट के आने के बाद आंसर की लीक हो जाती है। JKSSB ऐसी बार बार चीज़ें क्यों कर रही है, ठीक है ना? तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में, बैठे हुए हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एज हो रही है, हम कहाँ जाएं, हमारी फैमिलीज़ कहाँ जाएं, ठीक है ना? तो वो चीज़ें JKSSB को देखनी चाहिए, इनफैक्ट सरकार को भी देखनी चाहिए। हम जैसे लोग यहाँ पे दर दर JNK का यूथ नहीं है यहाँ पे दर दर घूम रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर हम ही ऐसी चीज़ें करेंगे फिर बाकियों का क्या रहने देना होगा? इसलिए हम यहीं से ये करते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट्स होगी आने वाले टाइम पे उसको ना फेयर एंड सिलेक्शन बेस पे हमें वो प्रोवाइड की जाए ताकि इसमें इरेगुलरिटीज ना हो, और वो चीज़ें ताकि हम यूथ हैं जो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से हम यहाँ पे अपने जम्मू के बारे में सोचें या फिर जॉब्स लें, अपने फैमिलीज़ के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में और आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में भी सोचें कि उनको भी जॉब्स चाहिए। तो ये चीज़ें चलती रहेगी तो हमारे लिए कुछ वो नहीं होगा, ठीक है ना सर?